Stano Star। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम सीखने वाले हैं स्वर लोप करने के नियम, और नियम दो आज हम सीखने वाले हैं। भाग पहला मैंने इसका कल आपको पढ़ा दिया था, भाग दो आज सीखने वाले हैं, ठीक है। तो बड़े ही आराम से इसको सीखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर लिखे जाने वाले दुगने व्यंजनों के तीनों स्थान नियम अनुसार होते हैं। पहले इसको समझते हैं। इसने कहा है तीनों स्थान नियम अनुसार होते हैं। नियम अनुसार का मतलब है कल हमने जो नियम वन पढ़ा था उसमें मैंने तीन स्थान बताए थे, पहला लाइन के ऊपर, दूसरा लाइन पर और तीसरा लाइन को काट कर, ये बनते हैं। तो नियम अनुसार उसी तरह से हमारे ये लिखे जाने वाले हैं। कौन से वाले व्यंजन? जो कि दुगने बनते हैं। दुगने का मतलब अभी हम समझने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है यंतर, तो यंतर लिखने के लिए हम पहले क्या करेंगे, मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे यन में क्या ए की मात्रा, और ए की और आ की मात्रा कहाँ होती है, फर्स्ट पोजिशन पे। तो इसको हम लाइन से ऊपर बना सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, और ये लाइन पर है और ये लाइन को काट कर। तो वही तरीका होता है ये करने का। तो आप चाहें तो इनको लाइन पर भी बना सकते हैं, लाइन के ऊपर सबको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी बाद में इस बात को ये कहता भी है, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। तो यंतर लिखना है, और यंतर यदि हम लिखेंगे तो यह बनाएंगे और न बनाएंगे यन, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, यदि हम इस यह को, इस वाले यह को जो हमने ये यह बनाया, इसे यदि थोड़ा बढ़ा दें तो क्या होता है, इसे यदि यह को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं तो उसमें हमारे कुछ ये चार शब्द जो आपको दिख रहे हैं, सॉरी यहाँ पर एक शब्द गलत है, यहाँ पर डर है, डर लास्ट में ये वाला काट देंगे, ठीक है। तो ये चार शब्द जो आपको दिख रहे हैं ये जुड़ जाते हैं। देखिए यह तो हो गया यह, और यह के बाद न के बाद जो है यन, ये तो ठीक है, लेकिन जब हम इनको जोड़ते हैं तो थोड़ा सा इसे यह को हम बड़ा कर देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो क्या जुड़ जाएगा उसमें, तर जुड़ सकता है, दर जुड़ सकता है, टर और डर, चार में से एक चीज़ जोड़नी होती है जो सुटेबल हो, जो शब्द को सार्थक बना दे, उस हिसाब से हमें बनाना होता है। तो यंत्र में देखिए यह में अगर तर जोड़ें, तर को जोड़ें तो यंत्र सही बैठ जाएगा, ठीक है। यदर सही नहीं होगा, यटर और यदर यडर ये सही नहीं होगा। तो यंत्र में हम तर जोड़ें तो हमारा यंत्र बैठ सकता है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। यंत्र भी लिख सकते हैं, इसको यंत्र भी हो सकता है यदि हम इस तरह से करें तो, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे यदि हम यह को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे, तर, तो तर हो जाएगा, और नया को बनाएंगे बाद में। तो पहले पड़ जाएगा यह के बाद ये नया यन, और ये जो हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया तो इसका मतलब इसमें बाद में हमारी चार चीज़ में से एक चीज़ जुड़ी थी, जो कि हमने जोड़ी थी तर, तर। तो हम क्या करेंगे, इसको यह पढ़ेंगे, पहले यह, फिर नया यन, और फिर ये जो थोड़ा बड़ा हो गया यंतर आपका हो जाएगा। ये पहला आपको समझ में आ गया ना, सारे आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है लेदर, तो लेदर का देखिए ले बनाएंगे, ले पर एक ही मात्रा भी आप, यदि आपको समझ में नहीं आती तो लगा लीजिए, वरना तो देखिए लाइन पर इन्होंने बनाया है, तो लाइन पर दूसरे नंबर की मात्रा कौन सी आती है, एक ही। तो यहाँ पर इसलिए इन्होंने ले को लाइन पर बनाया है, मात्रा नहीं लगाई है। यदि आप लाइन पर बनाते हैं और ये भी लाइन पर बनाते हैं तो मात्रा लगा सकते हैं, क्योंकि आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे ना उस समय, तो क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि तीनों ही लाइन पर बना रहे हैं। तो ले पे एक ही मात्रा खुद लग गई है, लेकिन यदि आपको समझ में नहीं आता तो लगा सकते हैं ले पे एक मात्रा ले, तो इसको थोड़ा पहले छोटा लिखेंगे हम, ठीक है, ये ले पे एक मात्रा ले, और जब हम इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे तो हमारा इसमें चार चीज़ में से एक चीज़ और जुड़ेगी। तो हम क्या क्या जोड़ सकते हैं, तर, लेतर नहीं होता है, लेदर हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, लेकिन जब मुहावरा आपको मिलेगा कोई वाक्य तो वहाँ हो जाएगा इसका प्रयोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये सिखा रहा है सिर्फ लेदर के बारे में, तो हम लेदर को ही पढ़ेंगे यहाँ पर। तो लेदर हम पढ़ लेंगे तो यहाँ पर हम लेदर लगा देंगे, और लेडर ये भी नहीं होगा, लीडर हो सकता है, और लीडर कब होगा, जब इसको हम लाइन को काट कर लिखेंगे, ठीक है, या लीटर, तो ये हो सकता है। तो ये देखेंगे यहाँ पर लेदर था, तो लेदर को आपको समझ में आ गया ना, किसी भी व्यंजन को यदि बढ़ा देंगे तो उसमें ये चार चीज़ जुड़ जाती हैं, बस और कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है लतर, तो ला बनाएंगे, ला को थोड़ा बढ़ा देंगे तो इसमें तर जुड़ जाएगा, ठीक है, और लतर नहीं हो सकता है, इन्होंने लाइन पर काट के बनाया, तो ऊ की मात्रा या ई की मात्रा भी इसमें होगी, ठीक है, और आप लाइन पर बनाएंगे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, पर यदि वह दुगने व्यंजन नीचे लिखे जाने वाले हों या हैं तो इनका केवल एक स्थान को, यानी कि एक स्थान लाइन को काट कर, यानी कि कहना ये चाहता है यदि जो व्यंजन, अब यह था यह ऊपर को लिखा गया, ले ऊपर को लिखा गया, यदि यही व्यंजन नीचे को लिखे जाने वाले हों, जैसे कि पै है, च है, तो क्या होता है, उनमें जो होता है सिर्फ एक ही स्थान इनका निर्धारित है कि वो लाइन को काट कर ही बनाए जाएंगे। ये बात आपकी समझ में आ गई है। पढ़ते हैं प्रिंटर, तो प और र, पै र, देखिए पै पे ई की मात्रा है तो ई की मात्रा तो अपने आप लग जाएगी क्योंकि लाइन पर काट कर बनाया है, और इनका स्थान लाइन पर काट कर ही होता है। इन पे हम तीनों मात्राओं को पढ़ लेंगे, आ वी, ई वी, ए वी, ठीक है, क्योंकि इनका तो एक ही स्थान है जो कि लाइन को काट कर है, वो हमें खुद समझना होता है कि यह मात्रा कौन सी है। तो पै पै पे ई की मात्रा यदि हम लिखते हैं पै र, तो इतना तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो पै र, और ये जो होता है हमारा इन,
इसको हम पूरे को ई से पढ़ लेते हैं, और ये जो टर लास्ट में है उसके लिए हम इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, और नीचे प्रिन का ये न लग गया तो पहले पढ़ा जाएगा ये ऊपर वाला पै 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 के बाद ये रे और फिर न प्रिन, और ये जो थोड़ा बढ़ाया, बढ़ाने में हमारे चार शब्द लगते हैं तो उसमें से हम इसको टर को उठा लेंगे, ठीक है। तो प्रिंटर आपका ही हो जाएगा, ये समझ में आ गया होगा ना आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है बंदर, तो बंदर में नीचे लिखे जाने वाला शब्द तो कहाँ बनेगा, लाइन को काट कर बन, तो बन ऐसे लिखेंगे, लेकिन अभी नय को हम सबसे लास्ट में लगाएंगे, बीच में लगाने के बाद नय को तब शब्द को नहीं बढ़ाना है, वो गलत हो जाएगा, पहले इसको पूरा बढ़ा लेना है फिर लगाना है, तो ठीक है। इस तरह से आपका ये बंदर हो जाएगा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो बंदर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखते हैं पातर, पातर आपको दिख रहा होगा, तो फाइव नंबर में लिखा हुआ है जब ले या रे के ऊपर और नीचे लिखने से स्वर का ठीक ठीक पता न लगे तो मात्रा को लगाना चाहिए। देखिए ले और रे को जब हम ऊपर और इस तरह से ऊपर, और देखिए एक मिनट, इधर रे है और इस तरह से रे है, इस तरह से और इस तरह से हम जब लिखते हैं ऊपर और नीचे, इन्हें लिखने में यदि किसी प्रकार का भी स्वर को उठाने में इन पर लगाने के बाद दिक्कत होती है, जैसे कि मान लीजिए ये वाला रे है, इसके बाद हमें पता है बाद में स्वर आता है और इस वाले से पहले आता है, तो इस तरह से यदि हमें कोई भी परेशानी हो रही है कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उस कंडीशन में मात्रा को लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है आर्ता, अब आ की मात्रा आई है तो आ की मात्रा रे से पहले है, तो क्या कौन सा वाला रे बनाना चाहिए था हमें, ये वाला, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि आ की मात्रा है और लाइन से ऊपर बनाते तो आ की मात्रा है शुरू में, आ की है लाइन के ऊपर है, इसलिए ये समझ जाते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, रे बनाया ये वाला, जबकि इस वाले रे के तो बाद में स्वर आता है ना, पहले थोड़ी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि कोई दिक्कत आपको होती है तो हम मात्रा लगा सकते हैं, तो आ र और ता, और ता पर आ की मात्रा इसलिए नहीं लगाई गई है क्योंकि हमें पता है ता ऊपर है और रा भी ऊपर से बना है लाइन के, तो ऊपर बना इसका मतलब आ की मात्रा खुद ऑटोमेटिक उस पर लगी हुई है, क्योंकि आ की मात्रा वाला जब भी कोई होता है तो हम उसको लाइन के ऊपर बनाते हैं, फर्स्ट वाली मात्रा का फर्स्ट वाली पोजिशन भी हमारा शब्द बनाते हैं, ये बात आपको पता है ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे, लिखा हुआ है आरती, तो देखिए आरती र त, अब ये जो कटा है ये लाइन पर बनाया गया है, क्यों, क्योंकि हमें पता है ती ई की मात्रा तीसरे नंबर की है, तो शब्द हमारा तीसरे नंबर पर ही बनेगा, इस हिसाब से अब ये लाइन पर बनाया तो ई की मात्रा हम वहाँ पर खुद जो है लगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो ती ती पे ई की मात्रा भी लगा लीजिए और आव की मात्रा भी लगा लीजिए, पूरा भी लिख सकते हैं और लाइन पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो है हमारी लैंग्वेज में, तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी, थोड़ा आराम से आप पढ़िए रूल को। देखिए आराम लिखा हुआ है, तो देखिए रा रा पा की मात्रा है, शुरू में भी आ की मात्रा है, तो आराम लाइन के ऊपर है, तो दोनों जगह की मात्रा हम ऑटोमेटिक पढ़ लेंगे आ की, है ना, ये तो रूल है ना। चलिए आर जो है ऊ की मात्रा, रू की मात्रा और ई की मात्रा तीसरे नंबर की हैं, तो शब्द कहाँ बनेगा, तीसरे नंबर पर, तो र और ज आप आ की मात्रा र और ज पर ऊ की मात्रा खुद पढ़ लेंगे, क्योंकि शब्द लाइन से कट कर बनाया है, तीसरे नंबर पर है, ये बात आपकी समझ में आई। चलिए छः नंबर को समझते हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऐसे स्थान पर भी मात्रा लगा सकते हैं जहाँ एक ही शब्द संकेत में कई शब्द बनते हैं, जैसे कि देखिए कहने का मतलब ये है, ऐसे जगह भी हम मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अब एक शब्द से कई सारे बन गए, माला मेला माली मोल मेल मेला मूल मील, तो ये काफ़ी सारे हैं, आपको दिक्कत आ जाएगी कि यहाँ पर मेला है मूला है मीली है तो क्या है, हमें समझ में नहीं आएगा, तो उस कंडीशन में हम मात्रा लगा सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ देखिए इसको पढ़ लेते हैं पहले, जहाँ शब्द नया और कई बार लिखा न हो, यानी कि मान लीजिए हम पूरा जब हमको कोई डिक्टेशन बोलेगा तो कहाँ, मतलब जहाँ शब्द नया यानी कि पहली बार आए उस पूरी डिक्टेशन में और कई बार का लिखा ना हो, यानी कि कई बार हमने उसको ना लिखा हो, ठीक है, कई बार अगर हम उसको लिख लेंगे तो हमें पता है ये है, तो हम खुद बार बार उसको जैसे लिखना है मोल, कई बार यदि बोलेगा तो वो हमें खुद समझ में आ जाएगा कि ये मोल लिखा हुआ है, 56 बार उसमें आ चुका है, लेकिन जब वो नई बार में आएगा और उससे रिलेटिव कई सारे शब्द आएंगे तो हम उस कंडीशन में मात्रा लगा सकते हैं, ये बात आपको समझ में आई। जहाँ जल्दी जल्दी में शब्द संकेत ठीक स्थान पर नहीं अथवा अशुद्ध लिखा जाए, अब मान लीजिए जल्दी जल्दी में मान लीजिए लिखना है मेल, तो मेल लिख दिया हमने ऐसे, और हमें पता है लाइन के ऊपर बनाते हैं माँ पर आ की मात्रा वाला, तो ये माल पढ़ेंगे और हमें लिखना था मेल यहाँ पर, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी आपको जल्दबाजी में गलती से लिखा जाता है तो भी मात्रा का प्रयोग हम कर सकते हैं। जहाँ कोई बिल्कुल नया विषय लिखा जा रहा हो, नया विषय का मतलब कोई नया शब्द हो, कुछ अलग ही जो सिस्टम हो, मैंने समझा दिया आपको, जहाँ संदर्भ आदि का ठीक ठीक पता ना चले, मान लीजिए कोई वाक्य है और उसको हम नहीं उठा पा रहे हैं, तब भी हम मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। समझते हैं माला से, तो माला लिखा हुआ है, माला का हमें पता है लाइन के ऊपर बनाएंगे क्योंकि माँ पा की मात्रा है, फर्स्ट नंबर की मात्रा है, तो फर्स्ट नंबर पर ही बनेगा, तो माँ और ला माँ माँ पा की मात्रा लगा सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हो सकता है हम इसको मेला पढ़ने अशुद्ध से लिखा जाए,
ठीक है। तो इस तरह से हम मात्रा लगा सकते हैं, ला प्रा की मात्रा ऑटोमेटिक हम पढ़ लेंगे, लगाने की आवश्यकता नहीं है। और आपको दिक्कत हो रही है तो उस पर भी मात्रा लगा लीजिए, ठीक है, और लाइन पर भी बनाकर लगा सकते हैं। तो ये तो काफ़ी सारे इनके रूल हैं, मैं तो सिर्फ यही बात आपसे कहूँगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं लेनी है, ये आपको लाइन दिख रही है बस यही है जो कुछ है, आपको सारे शब्द यही बनाने हैं। मत मन करे तो मात्रा लगाइए, मन ना करे तो मत लगाइए, आप खुद अपना सेंस यूज जो है कर सकते हैं कि इस शब्द को हम कैसे उठाएं, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको शब्द लाइन को काट कर वाट कर ऐसे, ये बुक में तो काफ़ी सारे रूल्स हैं, आप कहाँ तक याद करेंगे, मेरी बात समझ पा रहे हैं ना आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है मैला, तो देखिए मैला लिखने के लिए अब हमें पता है एक ही मात्रा है, कहाँ आती है, यहाँ पर आएगी, ठीक है, और ल ल पा की मात्रा। अब देखिए यहाँ इन्होंने ऊपर पढ़ा रखा है तो उस कंडीशन में गलती हो सकती है, तो यहाँ पर म ल म म पर एक ही मात्रा, क्यों, एक ही मात्रा और ओ की मात्रा, सॉरी एक ही मात्रा और ओ की मात्रा क्या होता है, लाइन पर बनाते हैं, लेकिन एक ही मात्रा को अ की मात्रा पढ़ें तो ये लाइन के ऊपर भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है ना आपकी, म ल मे ल, तो गलती हो सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं इससे रिलेटिव है, इसने पहले ही कहा है कहीं सारे आ सकते हैं, ठीक है। देखते हैं माली कैसे लिखा जाएगा, तो माँ बनाएंगे, माँ पा की मात्रा है तो लाइन के ऊपर बनेगा, आपको दिख रहा है इस तरह से, और ल ल पा ई की मात्रा लगा लीजिए, माली आपका ये हो जाएगा। माँ पा की मात्रा खुद पढ़ लेंगे क्योंकि हमें पता है फर्स्ट पोजीशन पे हमारा जो है शब्द बना हुआ है और वहाँ पर आ की मात्रा ही प्रयोग होती है। देखते हैं मोल, माँ माँ पा ओ की मात्रा है तो कहाँ बनेगा, लाइन पर माँ, और ल माँ पा ओ की मात्रा हम लगा सकते हैं, हो सकता है हमसे ना पढ़ा जाए, ठीक है। इसी तरह से मेल, तो एक ही मात्रा है तो एक ही मात्रा लगा सकते हैं, मेल हो जाएगा, ये थोड़ा ईजी है, इतना जो हैवी है नहीं। देखते हैं मेला, म और ल, अब देखते हैं यहाँ पर, अब हमने लिख दिया मैं पे एक ही मात्रा तो हमें समझ में आ रही है क्योंकि लाइन पर है, ठीक है। ल ल पे एक ही मात्रा समझ में नहीं आ रही है, हो सकता है मेली पढ़ लें, मेला पढ़ लें, मेले पढ़ लें, तो यहाँ पर हम मात्रा लगा सकते हैं उस कंडीशन में यदि हम कंफ्यूज होते हैं तो, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ रही है ना, लिखा हुआ है मूल, तो म और ल और ये लाइन पर काट कर इस तरह से है। अब देखते हैं माँ बना हुआ है तो, सॉरी एक मिनट, म ल, तो ये इस तरह से, अब माँ माँ पर ई की मात्रा तो हमें समझ में आ जाएगी या ऊ की, क्योंकि हमें पता है लाइन को काट के है, तो इस पर तो हम पढ़ लेंगे, और इस पर कैसे पढ़ें, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं उसको समझने के लिए, मैं माँ पर ओ की मात्रा ल, ठीक है। हो सकता है आप इसको मैं पर ई की मात्रा ल, मूल, मील, मूली, कुछ भी पढ़ सकते हैं, तो उस कंडीशन में मात्रा आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है मील, तो मील के लिए भी मैं बनाएंगे, ल बनाएंगे, और लाइन देखें यहाँ पर बिल्कुल यही कंडीशन में हो गया ना मील, यदि हम यहाँ पर मात्रा का प्रयोग नहीं करते तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इसको माल पढ़ें, मूल पढ़ें, मील पढ़ें, क्या पढ़ें, तो ये इसलिए आप मात्रा लगा सकते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई है ना। चलिए ये टॉपिक आज का जो है फिनिश हो गया है, और एक बात मैं आपको बता दूँ, आप यदि बुक के लेवल पर चलना चाहते जो है तो चल सकते हैं, अन्यथा आप बिल्कुल लाइन पर शब्द को बनाइए, जहाँ मात्रा लगाने का मन है वहाँ लगाइए, और जहाँ आप खुद प्रयोग कीजिए कि आप मात्रा को घटाने का प्रयास कीजिए और खुद अपने आप जो उनको आगे बढ़िए, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, कर सकते हैं आप, बस आपको समझ में आ जाए उससे ज़्यादा कुछ और कोई अच्छी बात नहीं है। तो चलिए साथियों, ये नियम 2 हमारा समाप्त हो चुका है, और लगे हाथ हम जो है कटे हुए व्यंजनों का प्रयोग भी पढ़ लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, समझते हैं, बस पहले हमने इसको पढ़ रखा है लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहले इसको पढ़ते हैं। इसी तरह प फ क खै च छ आदि में भी आप देखते हैं कि एक ही संकेत दोनों व्यंजनों में आते हैं, एक ही संकेत वाले, ये मान लीजिए च है, और च और च एक से हैं, बस इसको काट देते हैं, कहना चाहता है, ठीक है। अभी आगे पढ़ते हैं, आते हैं, भिन्नता केवल इतनी ही है कि दूसरा व्यंजन कटा हुआ होता है, ये समझा दिया मैंने अभी आपको। संकेत लिपि में गति से लिखने वाले इस फ ख छ आदि को तभी काटते हैं जब इनका काटना अनिवार्य हो जाता है, अन्यथा एक ही संकेत में काम निकाल लेते हैं। मान लीजिए प सॉरी च है, तो च को इस तरह से काटते जाना है जब जरूरी हो कि हाँ हम यहाँ पर नहीं उठा सकते हैं, वरना तो च और ता लिखेंगे तो ये छत तो नहीं होता है, जब हम वहाँ पर पढ़ेंगे कि वह छत पर गया है तो हम इसको च को छा खुद पढ़ लेंगे कि वह छत पर गया तो नहीं होगा, वह छत पर गया, तो इस च को काटे बिना भी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बात कहना चाहता है, पुल को फूल नहीं पढ़ेंगे, फूल पढ़ सकते हैं, देखिए पुल को फूल तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन फूल पढ़ सकते हैं, फूल होता है लेकिन फूल का कोई अपने आप में कोई अर्थ है नहीं शायद, पर वाक्य में यदि यह कहा जाए कि वह पुल पर जा रहा था या गाड़ी पुल पर जा रही थी तो मुहावरे से पढ़कर यह न कहा जाएगा कि वह फूल पर जा रहा था, पर यदि खै छ आदि कटे हुए व्यंजन शब्द के आरंभ या अंत पढ़ते हैं अंत में आवे तो उस कंडीशन में क्या होता है, अंत में आवे तो एक छोटा सा हल्का सीधा डैश चिन्ह संकेत के साथ मिलाकर इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। देखिए कहना क्या चाहता है इसको समझते हैं,
यदि काटना हो और हमें जल्दी स्पीड में लिखना हो तो क्या करते हैं, हमें पेन हटाना पड़ता है चाकू को छह को बनाने के लिए, ठीक है। पेन हटाएंगे जब जाके काटेंगे, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तिरछा सा एक छोटा डैश यदि हम इस तरह से कैम में निकाल देंगे तो ये जो इसने निकाला ये हमारा खै पढ़ा जाएगा। तो ये ही समझना है बस। देखिए लिखा हुआ है आदि में, यानी कि शुरुआत में यदि आए तो कैसे लगाएंगे, या लिखना है खै तो ये हम क्या करेंगे इस तरह से नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधा क्या करेंगे थोड़ा सा तिरछा और इस तरह से बना देंगे। तो ये हमारा जो ये होगा ये कटा हुआ मान इस ये जो है ये काट देगा इस वाले व्यंजन को, इसको हम मान लेंगे कि इसने इसको काट दिया है, तो इसको हम पढ़ेंगे ख, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ रही ना, पहले हमें क्या करना था, इसे इस तरह से लिख के पेन हटाकर काटना होता था, अब हम क्या कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह ख त, ठीक है, इस तरह से कुछ भी आगे को चल सकते हैं बिना पेन हटाए पहले से ही। लेकिन आपको ध्यान रखना है सीधा नहीं होना चाहिए, तिरछा होना चाहिए। सीधा होता है, देखिए सीधा होता है, सीधा हमने पहले पढ़ा है ना, पहले सीधा पढ़ा है अब तिरछा पढ़ रहे हैं, क्या अंतर है समझेंगे। अब यदि सीधा होता है तो कहीं ना कहीं एरर आती है, अभी लास्ट में बताऊंगा मैं। अगर देखे यहाँ पर इस तरह से लिखे हो, इस तरह से हो सकता है मात्रा लगाते समय आपको ये इस तरह से टच हो जाए, तो कहीं ना कहीं उठाते समय शब्द को आप खै पढ़ लेंगे तो गलती हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पर सीधे का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा मात्रा हमेशा इससे टच नहीं होती है, अलग होती है, ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ रही है ना। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है ठह, बस इसी तरह से ठह कैसे करते हैं हम, इस तरह से। तो अब इसको इस तरह से नहीं लिखकर हम क्या करेंगे, पहले से इस तिरछा बनाएंगे और इस तरह से कर देंगे, तो ये इसको कहीं ना कहीं काट देगा ताकि ठह ये हमारा हो जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है, समझा हुआ है आपका पहले ही। छह लिखना है तो क्या करेंगे, इस तरह से पहले ही छह इस तरह से बनाते हैं, पहले ही वहाँ से हम जोड़ लाएंगे, लेकिन इस तरह से सीधा होकर नहीं लाएंगे, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा आपको कैच आ रहा, थोड़ा तिरछा आपको दिख रहा होगा, इस बात का ध्यान रखना है। इसी तरह से फै थे मैं न है, फै को समझेंगे, फै लिखते हैं इस तरह से तो ऊपर काट लेंगे इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से लेकर आएंगे तिरछा, ये बात समझ आ रही ना। लिखते हैं थ तो थ बनाते हैं इस तरह से, तो थोड़ा सा तिरछा इस तरह से और इस तरह से थ, ये आपने था थी थे वाले आंकड़े सुनने जो है आपने सीखे हैं ना, तो उसी सॉरी शब्द चिन्ह उसी की तरह है, बिल्कुल सेम इसी तरह से बने हैं वो, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी ना आज। चलिए देखते हैं माँ, तो माँ लिखना है, तो माँ लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इन्होंने जो है इसको लिखा हुआ है काट कर, तो ये इस तरह से काटा और इस तरह से ना, तो इस ना को इसने काट दिया तो माँ हो गया है ना, और ये देखते हैं ना, तो इस तरह से बनाएंगे माँ को, तो माँ को यदि हम काटते हैं तो ना हो जाता है ना, तो इस तरह से पहले से इसने काट रखा है और ये माँ बना रखा है, तो न हमारा हो गया है, ये बात आपकी समझ में आ गई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यदि अंत में आए तो कैसे करेंगे, अंत में भी वही कंडीशन है जैसे कि हमें शुरू में खा लिखना है, तो इस तरह से बनाएंगे और थोड़ा सा तिरछा से डैश निकाल देंगे, ठा लिखना है तो ऐसे लाएंगे और ऐसे, बस वही सेम कंडीशन है, पीछे भी तिरछे करके हमें निकालने हैं, बस लगाने का प्रयास आप सीख लीजिए, मतलब आप कहीं कई बार प्रयास कीजिए इसे लगाने का, किस प्रकार से आप लगा सकते हैं, शुरू में गलती होगी फिर बाद में आपसे कोई गलती नहीं होगी। देखिए अब एग्जांपल से समझते हैं क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है फटा, तो फ और ट इस तरह से लिखते थे, पेन हटाकर काटना पड़ता था, अब आप ऐसा नहीं करेंगे, अब आपको क्या करना होगा, फ इस तरह से पहले से ही लेंगे और ट, ठीक है, और ट पा की मात्रा आप लगा सकते हैं, फ फ तो आपका कट गया है, ट ट पा की मात्रा फटा आपका ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मात्रा क्यों नहीं लगाइए, इसलिए क्योंकि लाइन के ऊपर हमारा इस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लाइन के ऊपर फ बनाया है पहले नंबर पर, पहले नंबर पर आ की मात्रा स्वयं लग जाती है, ये बात आपकी समझ में आ गई ना। नेक्स्ट देखते हैं इम्तिहान, तो इम अब देखिए इम लिखना है तो म बनाएंगे ना को काटने वाला इस तरह से, तो ना इस वाले ने इसको काट दिया तो हो गया म, ठीक है, त और ह नीचे वाला उल्टा और ना का इसमें आंकड़ा, ठीक है, इस वाले से भी है बना लेते हैं ना, तो इस तरह से, और इस तरह से जो मोड़ा इन्होंने तो हमने सीखा है कि जिधर को गड्ढा होता है उधर कोई हम गुंडी को मोड़ते हैं, ये बात समझ में आई, तो इम्तिहान ही आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है यदि आरंभ में र या ल और अंत में त या न का आंकड़ा लिखा हो और कहीं भी उपयुक्त आंकड़ा लगाने की जगह न मिले तो यह चिन्ह इस प्रकार लिखना चाहिए। देखते हैं इस बात को समझते हैं, थोड़ा इसको नीचे मैं कर लेता हूँ, एग्जांपल ऊपर पहुँच गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको समझते हैं एक बार, खर लिखा हुआ है, ठीक है, अब देखेंगे खर है और ख और इस रा में हमें इस ख में हमें रा का लगाना है, तो इस तरह से ख और रा हम इस तरह से लिखते थे, ठीक है, अब क्या करेंगे इस वाले जो डैश है इसको हम र में पहले ही लगा देंगे, इस तरह से लगाएंगे और तब जाकर हम इसको खै को बनाएंगे, तो ये जो है इसने इस खै को काट दिया तो हम इसको पढ़ेंगे ख और फिर पढ़ा जाएगा रा, तो इस बार इस तरह से आपको समझ में आ रही है ना, एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं लिखना है हमें ठर, तो ठर तो इस तरह से बनाएंगे इस तरह से ये और ये, ठीक है, तो ठ और ठर ये आपका हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल है, बिल्कुल आराम से आप इसको समझ सकते हैं खुद भी, तो छर समझिए फर समझिए, थर को मैं समझा देता हूँ, तो थर देखेंगे था, देखिए थर हम इस तरह से लिखते हैं ना इस तरह से, बस इसको यहाँ जोड़ देना है हमें, तो थ और र इसमें इंक्लूड कर देंगे तो हमारा थर हो जाएगा। दूसरी तरह से हम थर को इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हम दो तरह से ता लिखते हैं ना, ता था था वाले हमने जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं उनको हम दो तरह से लिखते हैं, तो ये बात समझ में आई,
चलिए देखते हैं नर लिखना है तो नर लिखने के लिए क्या करते हैं, या तो हम इस तरह से नर लिख सकते थे नर नर, ठीक है आपको काटने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यदि हम इस तरह से लिखते नर सॉरी इस तरह से यदि हम लिखते तो हमें काटने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती, तो काटने की बजाय हम क्या करेंगे इस तरह से लाएंगे, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। आपके पास समझ में आ रही है ना, तो क्योंकि इस वाले ने इसको काट दिया है तो ये आपका क्या हो गया नर और ये आपका मर हो जाएगा। इसको यदि हम इस तरह से लिख देंगे तो रे हम शुरू में लगाते हैं ना, तो इस तरह से हम शुरू में लगा लेंगे और इसको काट देंगे, ये वाला इसको काट रहा है, तो ये बात आपकी समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है खन। अब देखिए अब आ गया है नेका, तो नेका जब आएगा तो क्या करेंगे ख और न और इसको थोड़ा सा हम तिरछा निकाल देंगे। इस बात का ध्यान रखना है, सभी में आपको तिरछा दिखाई दे रहा होगा, सीधे में लगाने में क्या प्रॉब्लम है उसको हम अभी समझेंगे सिर्फ एक मिनट बाद, तो आप इसको समझ लीजिए पहले। तो इसने इसको काट दिया हुआ है खै और नेका इसमें लगा हुआ है आंकड़ा, तो ये हो गया खन। लिखना है ठन, तो बनाएंगे ठ और न और थोड़ा तिरछा इस तरह से निकालेंगे, इस तरह से हम सीधा इसको नहीं करेंगे, यह बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से है हमारा छन फन। अब थन को समझते हैं, आप खुद भी स्वयं समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए अब देखेंगे थन लिखना है, तो थ और थम ना इस तरह से लगाते हैं, बस इसको थोड़ा सा छम निकाल देंगे तो हमारा थन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। थन इसी तरह से थन को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं न का लगा के, ठीक है ये पता है आपको। नन लिखना है, तो न इस तरह से म और न और इसको काट देंगे, तो मा है माँ को इसने काट दिया तो ना हो गया, और ये ना का इसमें एक और आंकड़ा लगा हुआ है तो नन हमारा हो जाएगा। देखते हैं मन, तो मन के लिए न और नन, तो नन लिखा हुआ है और इसको हम काट देंगे ऐसे निकाल कर, डैश को पेन नहीं हटाना है आपको, पहले ही निकाल देना है, ठीक है। तो न और इसने भी ये इसने काट दिया तो न और आंकड़ा लगा हुआ है न का, तो नन आपका ये हो जाएगा। अब समझते हैं तय में क्या अंतर है, ठीक है। देखिए क्या होता था, खत लिखना था तो हम क्या करते थे ख और त इस तरह से लिख सकते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा और फर्क आप सीखेंगे कि सीधे में क्या अंतर है। तो खत को देखते हैं ख और त से हमें कहाँ को निकाल देंगे, इस तरह को बढ़ा देंगे, तो इसने इस वाली डैश ने इसको काट दिया तो ख हो गया और त इसमें पहले से ही लगा हुआ है, तो खत आपका पढ़ा जाएगा, ठीक है। ठत तो ठ और त और इसको थोड़ा बढ़ा देंगे तिरछा करके, इस तरह से सीधे का ध्यान जो है और तिरछा आपको कर लेना है, तो ये आपका जो है ठत हो जाएगा। देखते हैं छत, तो छ कैसे बनाते हैं, इस तरह से छ और छ सॉरी यहाँ पर मात्रा पड़ जाएगी छ और त और इसको थोड़ा सा तिरछा इधर से ही निकाल दें, इस तरह से या इस तरह से, तो हमारा क्या हो जाएगा ये छत आपका पढ़ा जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ रही है ना, बस आपको पीछे को डैश निकालना है ज़्यादा, ये फत आप खुद पढ़ कर देखिए, थोड़ा सिंपल था, इतना ईजी नहीं है, पहले ही आपने पढ़ रखा है, ये समझते हैं। ये थोड़ा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। लिखा हुआ है जिन वक्र अक्षरों के अंत में न का आंकड़ा लगता है उनके आंकड़े में भी यह सूचित करने के लिए वे कटे अक्षर हैं एक हल्का छोटा सा डैश लगा सकते हैं, इससे तय के आंकड़े का भ्रम न होना चाहिए, क्योंकि तय आंकड़े के डैश में और इस कटे हुए अक्षरों के डैश में बड़ा अंतर होता है। वक्र रेखाओं में तय वाले आंकड़े का डैश सीधा लगता है और कटे हुए अक्षरों का डैश तिरछा आंकड़े से मिला हुआ लगता है, ठीक है। वक्र रेखाओं में, अब ये समझते हैं, ये बात समझते हैं क्या कहा इसने। देखिए वक्र रेखाओं में तय आंकड़े का डैश लगाने के बाद फिर यह डैश नहीं लगता, ठीक है, इसको समझ देंगे कि तय आंकड़े का डैश लगाने के बाद फिर नहीं लगता क्या कहना चाहता है। देखिए एग्जांपल समझते हैं, लेकिन पहले समझते हैं कहा क्या इसने। यदि हम लिखते थे मत, तो म और ता इस तरह से तो लिखते थे मत, नहीं ये गलत तरीका है, ये लिखा हुआ है हमारा मन, ठीक है। यदि हमें मत लिखना होता था तो म और ता और इसका सीधा इस तरह से हम लिखते थे, ये बात आपको समझाई। तो यहाँ तो ता में हमें ये गलती नहीं करनी कि ता में जब हम इस व्यंजन को जोड़ेंगे, ठीक है, पहली बात तो ता इसने कहा ता आंकड़े के डैश लगाने के बाद फिर यह है डैश नहीं लगता है, तो यदि तय का आंकड़ा होगा तो वहाँ पर इस डैश का प्रयोग हम नहीं करेंगे, लेकिन न में यदि हम इसको लगा रहे हैं वक्र रेखाओं में तो आपको ये ध्यान रखना है आप इसको सीधा ना लगाएं, सीधा लगाएंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, ये ता पढ़ा जाएगा, आपको म और न और थोड़ा सा तिरछा इस तरह से कर देना है, तो ये आपका जब पढ़ा जाएगा क्या पढ़ा जाएगा इस ना को काट के, तो इसने इसको अब काटा है, तो सीधे का अंतर और तिरछे का अंतर आपको आप समझ में आया ना, सीधा हम किस लिए प्रयोग करते हैं ता के लिए, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, लिखा हुआ है मत, तो मत लिखना होता है तो म और ता और इसको हम सीधा, ठीक है, नत तो न और ता और ये न और ता और इसको इसने अब देखेंगे म और ता, ये है म और ता, अब इसको आप ये नहीं समझेंगे कि इसने इसको काट रहा है तो न और तय पड़े नत, नहीं, अब देखेंगे अंतर, ये लिखा हुआ है नन, तो न ठीक है और न और देखिए ये है तिरछा, तो
अब जब ये तिरछा निकलेगा तो ये इसको काटेगा, तो न और न का जो है हमारा यहाँ पर आंकड़ा, तो नन हमारा जब पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो सीधे का अंतर समझ रहे हैं, यदि सीधा होगा तो ता पढ़ा जाएगा वक्री रेखाओं में, और यदि तिरछा होगा तब ये समझा जाएगा कि इसने उस व्यंजन को काट रखा है। ये बात अभी समझ में आ गई। चलिए मन लिखा हुआ है तो न बनाएंगे और ये नाम है नन, और इसको तिरछा निकाल देंगे तो हो जाएगा आपका ये वाला काट दिया इसने, तो न और न नन। और यदि ये इस तरह से होता, इस तरह से सीधा, तो ये न और ता पढ़ाया था नत, तो ये तय का आंकड़ा आपने सीख रखा है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं, इन्हें क्या लिखा हुआ है। इनके अलावा यदि बीच में कटे हुए अक्षर आए, आवे लिखा हुआ है, आए पढ़ सकते हैं हम, आए और अर्थ में विशेष अंतर पढ़ने का डर हो तो उस अक्षर को काट देना चाहिए। देखिए इनके बीच में यदि कोई भी मतलब कटे हुए अक्षर आते हैं यदि मान लीजिए, तो क्या होता है यदि आपको इस तरह से कोई भी जो है परेशानी या प्रॉब्लम हो रही है तो क्या कर सकते हैं हम, इस तरह से ना लिख कर उस शब्द को पहले ही अपना आप काट सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे अभ्यासों में हम इन्हीं नियमों का काम में लाया जाएगा और केवल आवश्यक मात्राओं के अलावा दूसरी मात्राएं नहीं लगाई जाएंगी, ठीक है। नोट, इस पाठ में कुछ उदाहरण आगे दिए हुए पाठों के अनुसार हैं, जैसे व्यंजनों को दुगना करना, ठीक बात है। दुगना वाला जो एग्जांपल हमने अभी पढ़े हैं वो सभी आगे आने वाले हैं, उन्होंने पहले ही मैं सिखा दिए हैं, ठीक है। आधा करना, आधे वाला वो टर और टट वाला जो हमने पहले सीखा था ना कल वाली वीडियो में, तो वो। और नेक्स्ट, जब पाठक गण उस पाठ को पढ़ लेंगे तब वह स्वयं समझ में आ जाएगा मतलब आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कहना चाहता है कि अभी जो इन्होंने हमें ये प्रोसेस पढ़ाया है वो क्या है, वो थोड़ा आगे का प्रोसेस था, तो शायद आपकी जो है समझ में ना आया हो, लेकिन कहना ये चाहता है कि अब आप जब आगे पढ़ेंगे तो वह आपके स्वयं समझ में आ जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ गई है ना। चलिए तो इस टॉपिक को आप जो है कर सकते हैं और बड़े ही ध्यान से इसको करिएगा, बाकी आप कुछ भी प्रॉब्लम ना लें, बड़े आराम से इसको समझें, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी ऐसी मैं आशा करता हूँ, और वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर लेना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना साथियों। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों।